नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ नरेश दुबे। देश और प्रदेश की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बाराबंकी दहसराबाग ठेले पर व्यापार कर रहे इस्लामुद्दीन व निजामुद्दीन ने रोज की तरह बिरयानी अंडा रोल की बिक्री कर रहे थे, तभी वहां कुछ लोग आकर के खाने का ऑर्डर किया। ठेले मालिक इस्लामुद्दीन ने पैसा मांगा तो लोहे की रॉड से ठेले को तोड़ दिया। बचाव करने पर निजामुद्दीन को भी रॉड से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह ने पिस्टल निकालकर मुखिया से वार किया और उनके साथी सोनू यादव, प्रदीप सिंह, रोहित वर्मा, अंकुर सिंह ने लोहे की रॉड से हमला करा और ठेले का सारा सामान तोड़ दिया। बाराबंकी ट्रामा सेंटर में पीड़ितों का इलाज चल रहा है। बाराबंकी से सुनील कुमार की रिपोर्ट। थाना निजामुद्दीन है, नाका सदरी पर ठेला लगा था, दशहराबाग लक्ष्मण की कॉलोनी मेरा घर। हम लोग बिरयानी का ठेला लगाए हुए थे, तीन चार दिन आके वहाँ बिरयानी खाए, उसके बाद हम लोग पैसा मांगे, वो लोग मारने पीटने लगे, गाली गरोज हुई। उसमें से पुष्कर ने असलहा निकाल के भाई के मेरे, ये बड़े भाई हैं मेरे, उनको जो मार दिया असलहा से, उसके बाद गाड़ी से राड निकाल लिए। शुभम ठाकुर, दिग्विजय सिंह, बाबू कालिया और इनके कई साथी और थे जो भाग गए। मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मार दिया और हम लोग दुकान लगाए थे, मेरी दुकान वकान सब पलट दी गई, मेरा गल्लक देखे सब उठा लेंगे। 6-7 लोगों से ज़्यादा थे, उसके बाद कई और आ गए, 20-25 लोग हो गए, गाड़ियों से आए थे। उसके बाद गाड़ियों से राड निकालने के बाद फिर मारने लगी। मारने के मैंने रीजन पूछा तो और कह रहे मुझसे पैसा मांगोगे, मुझे जानते नहीं हो तुम। इस्लामुद्दीन, हमारा नाम साहबुद्दीन है, हमारा लड़का ठेला लगाए खड़ा था अंडे रोल का, बिरयानी का। 5-6 लोग आए हैं और बिरयानी और अंडा रोल खाएं, जब इन्होंने पैसे मांगे तो गंदी गंदी गालियां देने लगे। गालियां देने के बाद इनसे जो हुआ मारपीट करने लगे। एक आदमी उसमें से असलहा निकाल के इनको पेटी मारा है सर पे, फिर उसके बाद में गाड़ी से राड निकाल के इनको सबको मारने लगे। ठेला वाला सब तोड़ फाड़ के गए हैं सब। 5-6-7 लोग तो एक साथ ही आए हैं, उन्हीं को वो जो खाए हैं, बाद में फिर कुछ गाली गलौज दिए तो फिर बढ़ गए थे वो, उनको नहीं हुए उसी में। FIR कराई? FIR के लिए गए थे, उन्होंने कहा डॉक्टरी पहले कराइए, फिर हम FIR के यहाँ देखे। बोल नहीं पा रहे इसलिए हमको बताना पड़ा, ये चोट काफ़ी खाए हैं, मुझे वो सब बहुत चुड़ाना हुआ।